इस कहानी की शुरुआत में हम एक महल को देखते हैं जहाँ पे किसी चीज की जोरों शोरों से तैयारियां चल रही होती है, और वहीं हम उस टाउन के गवर्नर रीका को देखते हैं जो सब लोगों को उनके काम में कोई ना कोई कमी निकाल रहा होता है। उसका सेनापति ओगो उसके पास आकर बताता है कि सारी तैयारियां बिल्कुल सही चल रही है। रीका उससे कहता है कि उनके टाउन का शोगुन बहुत जल्दी वहाँ पे विजिट करने के लिए आने वाले हैं और वो उन्हें किसी भी तरह इम्प्रेस करना चाहता है ताकि वो खुश होकर उसकी प्रमोशन कर दे, और इसीलिए वो उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता है। उसने वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा टॉयलेट भी बनवाया होता है जिसका नाम उसने सुपर बाउल रखा था, और उसे ये उम्मीद होती है कि शोगुन इसे देखकर तो खुश हो ही जाएंगे। पर अभी भी उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उसके महल के ठीक सामने बसा काकामुचो नाम का एक छोटा सा गाँव जो उसकी महल की खूबसूरती को बिगाड़ रहा था, और इसीलिए वो किसी भी तरह उस विलेज को वहाँ से हटाना चाह रहा था। वो ओगो से कहता है कि वो किसी भी तरह जल्द से जल्द उस गाँव को खाली करवाए। अगले दिन उस विलेज में हमें एमिको और उसके कुछ दोस्त कैट्स को देखते हैं जिन्हें दूर से दिखाई देता है कि निंजाज उनके विलेज पे हमला करने के लिए आ रहे होते हैं। वो सब तुरंत सब लोगों को इसके बारे में बताने के लिए निकल जाते हैं। उस गांव के सभी कैट्स डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। एमिको वहाँ के समुराई के पास पहुँचती है और उसे सब कुछ बताती है। वो समुराई अपने घोड़े पे बैठ कर उनसे लड़ने को तैयार हो जाता है, पर जैसे जैसे वो निंजाज करीब आ रहे थे समुराई डर के मारे पसीने से भीगने लगता है, और फिर अचानक वो वहाँ से भाग जाता है। वो सारे निंजास विलेज पे हमला करके उसे पूरी तरह से तबाह कर देते हैं। अगले दिन सारे कैट्स मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि वो वहाँ के शोगुन से अपने विलेज के लिए एक नए समुराई की मांग करेंगे जो उनकी हिफाजत कर सके। अगले सीन में हम शोगुन को उसके महल में देखते हैं, तभी उसके पास एक मैसेज आता है। ये मैसेज उन्हीं काकामुचो विलेज के कैट्स का था जिन्होंने नए समुराई की मांग की होती है। ये खबर सुनते ही शोगुन वहाँ के गवर्नर रीका को फोन मिलाता है। इनकी फोन लाइन भी कमाल की होती है जिसमें लाइन से कैट्स खड़े होते हैं और वो एक साइड से बात को ट्रांसफर करते हुए दूसरी साइड तक पहुंचाते थे। शोगुन ईका को उस विलेज को एक नया समुराई देने का काम सौंपता है। ईका परेशान हो जाता है क्योंकि उसकी चाल उल्टी पड़ चुकी थी और वो कोई नया आइडिया सोचने लगता है। अगले सीन में हम वहाँ की जेल में कैद हैंक नाम के एक डॉग को देखते हैं जिसे वहाँ कैट टाउन में आने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया होता है, क्योंकि वहाँ डॉग्स का आना अलाउड नहीं था और उसे इस जुर्म में सजाए मौत मिली थी। वो उसे मारने ही वाले होते हैं कि तभी दूर से ईका उसे देखता है और वो उसे कहते हुए सुनता है कि वो यहाँ कैट टाउन में समुराई बनने के लिए आया था। ये सुनते ही उसे एक आइडिया आता है और वो अपने सैनिकों से उसे छोड़ देने को कहता है, और वो उसे ही नया समुराई बनाकर काकामुचो विलेज में भेज देता है। उसने ऐसा इसीलिए किया होता है क्योंकि उसे उम्मीद होती है कि विलेज के कैट्स एक डॉग को देखकर तुरंत उसे मार देंगे और फिर इसके जुर्म में वो पूरे विलेज को गिरफ्तार कर लेगा। इससे उसकी परेशानी अपने आप खत्म हो जाएगी। हैंक अपने घोड़े पे बैठकर उस विलेज में पहुंच जाता है। सारे कैट्स अपने नए समुराई के वेलकम के लिए खड़े होते हैं, पर जैसे ही वो एक डॉग को देखते हैं वो सब गुस्सा हो जाते हैं और वो हैंक को मारने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं। वो सब मिलकर हैंक को मारने ही वाले होते हैं कि तभी उसके पास से गवर्नर का ऑफिशियल लेटर मिलता है, इसीलिए वो सब उसे छोड़ देते हैं। इधर ईका ये सब देखकर और भी गुस्सा होता है क्योंकि गाँव वालों ने उस डॉग को छोड़ दिया था और उसका ये भी प्लान फेल ही होता है। हैंक वहाँ के समुराई ऑफिस में पहुँचता है और वहाँ रखे समुराई सूट को पहनकर देखने लगता है। तभी वहाँ पे जिम्बो नाम का एक कैट आता है। हैंक उससे कहता है कि वो यहाँ पे एक समुराई बनने के लिए आया है, पर जिम्बो उससे कहता है कि वो कभी भी एक समुराई नहीं बन सकता क्योंकि वो एक डॉग है और उसमें कोई भी गुण नहीं है एक समुराई बनने के लिए। तभी वहाँ फिर से निंजा हमला कर देते हैं। जिम्बो हैंक से कहता है कि अगर तुम समुराई हो तो जाकर गाँव वाले को तुम उनसे बचाते क्यों नहीं। इस पर हैंक उनसे बात करके ये सब खत्म करने की कोशिश करता है, पर वो उसे मारकर वापस से उसी ऑफिस के अंदर फेंक देते हैं। जिम्बो उसे वहाँ से लौट जाने को कहता है, पर हैंक उससे कहता है कि बचपन से उसे सब परेशान करते आए हैं और एक बार जब शहर के कुछ आवारा गुंडे उसे मार रहे होते हैं तभी वहाँ पे एक समुराई आता है और वो उन गुंडों को मारकर अकेला ही भगा देता है, और उसी दिन से उसने सोच लिया था कि वो भी एक समुराई बनेगा। उस समुराई की तलवार उसने अभी भी संभाल कर रखी होती है। जिम्बो जब तलवार को देखता है तो पता चलता है कि ये तो उसी की तलवार है जो उस दिन वहीं पे छूट गई थी। हैंक उसे अपना टीचर बनने को कहता है और उसे समुराई सिखाने को कहता है। किसी तरह जिम्बो मान जाता है, पर उससे पहले वो हैंक से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है जिसमें लिखा होता है कि वो हमेशा उसकी बात को मानेगा तभी वो उसका टीचर बन पाएगा। हैंक को इसमें कोई परेशानी नहीं होती है और वो उस पर साइन कर देता है, और इसके बाद जिम्बो उसकी समुराई ट्रेनिंग शुरू कर देता है। वो उसे हर तरह के तरीके सिखाने लगता है, पर हैंक के लिए ये सब चीज़ें आसान नहीं होती है और वो बहुत जल्द हार मानने लगता है।
वो जिम्बो से गुस्से में कहता है कि वो सिर्फ उसे परेशान करना चाहता है क्योंकि उसे खुद ही कुछ नहीं पता। इस बात को सुनकर जिम्बो उसे अपनी समुराई की कला दिखाता है जिसे देखकर हैंक की आंखें खुली की खुली ही रह जाती है। फिर जिम्बो उसे बताता है कि पहले वो यहाँ के प्रिंस का पर्सनल गार्ड हुआ करता था और हमेशा उसकी सुरक्षा में तैनात रहता था, पर एक दिन वो प्रिंस के साथ एक नई जगह पे गया। वहाँ पे बहुत अंधेरा था और जब उसने देखा वहाँ पे बहुत सारे कैट्स हैं तो उसने बिना कुछ सोचे उन पर हमला कर दिया और बाद में उसे पता चला कि वो तो प्रिंस का बर्थडे सरप्राइज था और उसने सब बेकार कर दिया। इसी बात से शर्मिंदा होकर उसने समुराई और नौकरी दोनों छोड़ दी। ऑफिस आकर जिम्बो समुराई की बुक पढ़ता है और उसे एहसास होता है कि हैंक को एक डॉग की तरह सिखाना होगा न कि कैट्स की तरह। अगले दिन वो हैंक की आंखों पे एक पट्टी बांध देता है और उसके सुनने और स्मेल करने की क्षमता से चीजों को अपनी ओर आते हुए महसूस करने को कहता है और ये तरीका बिल्कुल काम कर रहा था। हैंक अपना डिफेंस करना सीखने लगता है। इधर ईका बहुत गुस्सा होता है क्योंकि अभी तक ओगो ने गांव को खाली नहीं कराया था, इसीलिए अब वो कोई और तरीका आजमाने का सोचता है। और अगले दिन एक बहुत बड़ा सा सूमो कैट उस गांव पे हमला करता है। हैंक उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है पर उसकी पावर के आगे वो कुछ भी नहीं था। तभी वहाँ पे जिम्बो देखता है कि उस कैट को इमली से एलर्जी है और इसी का सहारा लेते हुए वो लोग उस बड़े से कैट को हरा देते हैं। हैंक को लगता है कि उसने अकेले ही उसे हराया है और इस घटना के बाद सारे गांव वाले भी अब हैंक को पसंद करने लगे थे। सुमो कैट को इलाज करने के लिए हैंक वहां के डॉक्टर के पास ले जाता है। इस बात से खुश होकर सुमो और उसमें दोस्ती हो जाती है। ईका को जब ये बात पता चलती है तो वो और भी ज्यादा गुस्सा होता है और उसे एक नया आइडिया आता है। इधर हैंक एमिको के साथ बैठकर कागज के खिलौने बनाकर पानी में बहा रहा होता है। एमिको उसे एक कागज की बनी उसकी स्टैचू उसे देती है और कहती है कि ये हमेशा उसे याद दिलाएगी कि वो कौन है। तभी उसके पास जिम्बो आता है और उसे ट्रेनिंग पे फोकस करने को कहता है और सुमो की जीत का ज्यादा जश्न मनाने से मना करता है। हैंक जब ट्रेनिंग कर रहा होता है तो उसके पास ईका आता है जो उसे सुमो को हराने की खुशी में एक पार्टी देना चाहता है और आज रात उसे एक क्लब में एंजॉय करने बुलाता है। रात में जब हैंक पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहा होता है तब जिम्बो उसे वहां जाने से मना करता है और इसी बात से दोनों में बहस हो जाती है और हैंक उसकी बात ना मानकर पार्टी में चला जाता है। ईका उसे लेकर एक बहुत ही शानदार से क्लब में पहुंचता है जहां पे सारे लोग हैंक को किसी सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट कर रहे थे और इधर रात में ही कुछ लोग विलेज पे हमला करके उसे पूरी तरह से तबाह कर देते हैं और वो सुमो को भी अपने साथ ले जाते हैं। जिम्बो भी नशे में होता है इसीलिए वो भी कुछ कर नहीं पाता। हैंक पार्टी में बहुत इंजॉय करता है और फिर अपने घर जाने लगता है, पर ये सब ईका का ही प्लान था उसे गांव से बाहर रखने का। सुबह गांव की हालत देखकर हैंक हैरान हो जाता है। सभी लोग अब गांव छोड़कर जाने का सोच रहे थे। वो जल्दी से जिम्बो के पास पहुंचता है पर जिम्बो अब उसे वहां से चले जाने को कहता है। सारे गांव वाले भी हैंक को ही दोषी मान रहे थे क्योंकि उसने उन्हें बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया था। वो दुखी मन से गांव को छोड़कर जाने लगता है। वो एक जगह उदास होकर बैठ जाता है। तभी उसे एमिका का दिया हुआ गिफ्ट दिखता है और उसकी बातें याद आने लगती है। इधर जिम्बो अकेला ही ईका के महल में सुमो को छुड़ाने पहुंच जाता है, पर तभी वो देखता है कि वहां पे हैंक भी आ गया है। हैंक उससे सॉरी कहता है और फिर दोनों मिलकर किसी तरह सबसे छुपते हुए सुमो की जेल तक पहुंचते हैं और वो उसे वहां से छुड़ाकर भागने लगते हैं। पर भागने के चक्कर में जिम्बो अकेला ही अंदर फंस जाता है, पर वो उन दोनों को वहां से जाने को कहता है। हैंक जाने के लिए तैयार नहीं था पर सुमो किसी तरह उसे वहां से ले जाता है और जिम्बो अकेला ही उन सारे सैनिकों से लड़ने लगता है। इधर ईका उस सुपर बॉल के थ्रू उस विलेज को बर्बाद करने का कोई प्लान बना रहा था। हैंक और सुमो गांव में पहुंचते हैं और वो सबको गांव छोड़ने से मना करते हैं, पर वहां उसे एक पोस्टर मिलता है जिससे उसे पता चलता है कि ईका डेविल्स की एक फौज बना रहा है जिसमें सबसे खतरनाक और खूंखार लोग होंगे और वो उनके थ्रू विलेज पे हमला कराएगा। हैंक सारे गांव वालों को समझाता है कि उन्हें सब कुछ भुलाकर एक साथ आना चाहिए और अपने विलेज को बचाने के लिए लड़ना चाहिए और एक साथ मिलकर वो ईका को भी हरा सकते हैं। उसकी बातें सुनकर सब उसका साथ देने को मान जाते हैं और फिर वो लोग ईका की आर्मी से लड़ने का प्लान बनाते हैं। और जब ईका की आर्मी विलेज पे हमला करती है तो ये लोग दूर से देख रहे होते हैं क्योंकि उन लोगों ने गांव के सब चीजों को कागज से बनाया होता है और वहां पे बारूद भी छिपा कर रख दिया होता है। और जैसे ही सारी आर्मी विलेज के बीच में पहुंचती है, हैंक वहां के बारूद में आग लगा देता है जिससे एक बड़ा सा धमाका होता है और इसके बाद वो सब मिलकर बचे हुए आर्मी पे हमला कर देते हैं। वो उन सारे आर्मी पे भारी पड़ रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि उनकी तरफ एक और बहुत बड़ी सेना आ रही है। ये सेना सोगुन की होती है। उनके आते ही सब शांत हो जाते हैं। ईका भी वहां पे जल्दी से आ जाता है और वो सोगुन को बताता है कि यहाँ जो कुछ भी हुआ उसमें उस डॉग हैंक का हाथ है। सोगुन अपनी सेना को हैंक को मारने का ऑर्डर देता है, पर तभी वहां पे जिम्बो आकर उसे बचा लेता है। जिम्बो को जिंदा देखकर हैंक बहुत खुश होता है। तभी जिम्बो को सोगुन पहचान लेता है क्योंकि वो वही प्रिंस था जिसके साथ जिम्बो रहा करता था। सोगुन उसे देखकर कहता है कि उसने काम क्यों छोड़ दिया।
जिम्बो उसे बताता है कि वो अपने आप से बहुत शर्मिंदा था क्योंकि उसने उसका बर्थडे खराब कर दिया था। सोगुन उसे कहता है कि वो उसकी लाइफ का सबसे बेस्ट बर्थडे था क्योंकि वो एक ही तरह के पार्टी से उब चुका था। वो कभी भी जिम्बो से गुस्सा था ही नहीं। ओगो सोगुन से ईका की सारी चाल बता देता है और ये सुनकर ईका भागने लगता है। उसे पकड़ने के लिए हैंक उसके पीछे जाता है। वो उसी सुपर बॉल के ऊपर पहुंचता है और दोनों वहीं पे लड़ने लगते हैं। हैंक उसे उसी बॉल के अंदर गिरा देता है। तभी वहाँ पे पानी भरने लगता है और वो डूबने लगता है। ओगो उसे बचाने के लिए उसमें कूदता है पर तभी उस सुपर बॉल से पानी ओवरफ्लो होने लगता है। उसमें से इतना पानी निकल रहा होता है कि महल भी टूटने लगता है। हैंक देखता है कि इस पानी के बहाव से उनका गांव डूब जाएगा। वो जिम्बो के साथ तुरंत गांव में पहुंचता है और वो सारे मिलकर गांव के चारों ओर एक नहर खोदने लगते हैं। सुमो अपनी पावर से बहुत जल्द ही नहर खोद देता है जिससे पानी की दिशा दूसरी तरफ मुड़ जाती है। पर इसी बीच एमिका के दोस्त पानी में बहने लगते हैं और वो सब तुरंत एक दूसरे का हाथ पकड़कर उन्हें डूबने से बचाते हैं और पानी से बाहर निकालते हैं। इसके बाद सोगुन हैंक को वहाँ का नया समुराई घोषित करता है और वो उसे एक राजशाही तलवार भी देता है। पर हैंक वो तलवार एमिका को दे देता है क्योंकि वो कहता है कि अभी उसकी ट्रेनिंग बाकी है और एमिका हमेशा से ही गांव की हिफाजत करती आई है। वही मूवी के लास्ट में हम ईका को जेल में बंद देखते हैं जो वापस से उनसे बदला लेने की बात करता है और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।